चलिए उठिए, भाभी से माफी मांगिए। थोड़ा तो सोचिए कि वो अगर झूठ बोली है तो काहे बोली है। अरे कहा ना नहीं बात कर रही हूँ। ऐसा काम नहीं किया आपने भाभी का प्यार पाने के लिए, और अब उन्हें ठुकरा रहे हैं आप। उनको पता चल गया है कि प्रेग्नेंट नहीं है और प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती है। ये बात उसके हिसाब से अब तक खुद ये बात बता रहे हैं। कुछ भी बोले जा रहे हैं अमृता भाभी के बारे में। वो बेचारी की शक्ल देखी थी उस दिन, कैसे मुरझा गई थी। अरे थोड़ा तो सोचिए कि वो अगर झूठ बोली है तो काहे बोली है। अरे आपको भी पता है और हमको भी बताएं उनके बारे में अच्छे से, कि उनका इरादा नहीं होगा आपको ठेस पहुंचाने का। जो भी है पर मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, तू जा यहां से। मुझे इंडिया की क्यों पता लगी है, और क्योंकि मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, इतना ज़्यादा खुश था। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी आज तक इतना भी कभी इतना ज़्यादा खुश नहीं रहा। बात करनी पड़ेगी, हमेशा आपकी चलती है ना। चलिए उठिए, भाभी से माफ़ी मांगिए। अरे कहा ना नहीं बात कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा खुश था वो, और एक सेकेंड में वो खुशी छिन गई। इसलिए शायद इतना ज़्यादा रिएक्ट कर रहा, समझ नहीं पा रहा है कि अमिता भी है, नहीं बता पाई। समझ क्यों नहीं? यही होता है ना हमेशा, जब तक हमें कोई चीज़ मिल नहीं जाती हम उसके पीछे पगलाए पगलाए घूमते हैं, जैसे आप अमृता भाभी के पीछे। बोले कि बकवास कर सकूँ भैया, बकवास नहीं कर रहे हैं। आपने कौन सा काम नहीं किया ऐसा उनका प्यार पाने के लिए? हम एकदम सही कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बुरा लगेगा तो अच्छी बात है, इसका मतलब ये कि वो हमसे रिलेट कर पा रहे हैं और मेरे इमोशन से रिलेट कर पा रहे हैं। शायद हो सकता है मुझको गुस्सा भी आए कि मैं अमृता के साथ जिस तरीके से भी, वो अमीर को देखना चाहते थे, फाइनली इतने ज़्यादा साथ में सीन्स आ रहे हैं, तो आई होप अच्छा लगेगा, स्टोरी से कनेक्ट करेंगे। दैट्स इट, थैंक यू।